हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम वीडियो के बारे में, ड्राइविंग क्लास के बारे में बता रहे हैं। आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए आप। अंबिका। और आपको ड्राइविंग सीखते हुए कितने दिन हो गए हैं? 7 दिन। तो मैं चंद्रवीर सिंह राठौड़, आपका दोस्त। तो आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, और ये चलाते हुए पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि गियर चेक करेंगे कि गाड़ी न्यूट्रल तो है क्या। इसको बीच वाली लाइन में मूव करेंगे, ठीक है, न्यूट्रल ही है, मूवमेंट कर रहा है। तो अब वहाँ पे चाबी होती है इग्निशन स्विच, उसको ऑन करें। हाँ, घुमाओ चाबी को आगे, ये रेड लाइट्स आगे मीटर में, मतलब गाड़ी बंद है। एक बार और घुमाओ चाबी। हाँ, सेल्फ ले लेंगे, इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट होने के बाद में अभी हमें हैंड ब्रेक हटाना होता है, लेकिन अभी हटाएंगे नहीं। सबसे पहले स्टीयरिंग के बारे में बताऊंगा। तो स्टीयरिंग को आप, है ना, लेफ्ट टर्न करो पूरी आखिरी तक, उल्टे हाथ को घुमाओ पूरे, जितने चक्कर आ रहे हैं, डेढ़ या दो चक्कर आते हैं पूरे, है ना। ये पूरी टायर घूम गए हैं हमारे, जैसे हम देख सकते हैं बाहर की तरफ कि हमारे व्हील घूमे हुए हैं। और अभी इसको सीधा कैसे करते हैं, डेढ़ या दो चक्कर, ये तो एक चक्कर हो गया, फिर एक और घुमाओ। हाँ बिल्कुल सही है, ये दो चक्कर हो गया, थोड़ा सा और सीधा होगा। ये स्टीयरिंग सीधी हो गई, एस सीधा हो गया ना, मतलब ये स्टीयरिंग सीधी हो गई। अभी हम राइट टर्न करो, राइट घुमाओ आपकी तरफ। हाँ बिल्कुल पूरा दोनों तरफ घुमा के देख लेंगे, टायर की पोजीशन का पता चल जाएगा इससे हमें, ना, पूरा घुमाओ एंड तक, बिल्कुल। हाँ तो अब ये राइट हो गई, अब इसके वापस से दो चक्कर हम सीधे करेंगे तो स्टीयरिंग सीधी हो जाएगी, जैसे करो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही है, ये सीधे हो गए हमारे टायर, ठीक है। अभी हम गियर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बंदी गाड़ी में हम, स्टार्ट गाड़ी में हम क्लच दबा के गियर लगा लेंगे। जैसे क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट हो गया है ना। सेकंड लगाओ जस्ट इसके पीछे। हाँ फिर थर्ड लगाओ, बिल्कुल सही है। फोर्थ लगाओ सीधा पीछे, सही है। अभी फिफ्थ लगाओ उधर राइट लेके और फिर आगे, ठीक है। अभी रिवर्स लगाओ, बिल्कुल ठीक है। अब न्यूट्रल कर लो, ठीक है। अभी इंडिकेटर स्विच के बारे में बताओ, राइट जलाओ, इंडिकेटर नीचे करो, ये राइट का सिग्नल हो गया है। अभी बंद करो इंडिकेटर, ठीक है। अभी लेफ्ट का इंडिकेटर जलाओ, ये लेफ्ट का हो गया है। अब बंद करो इंडिकेटर वापस, अब डीपर देके दिखाओ अपने फेस की साइड। हाँ ये डीपर हो गया पास, मतलब साइड व्यू मिरर्स वगैरह सेट है सारी चीज़ें, तो अब हम चल सकते हैं, ठीक है। अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाओ, क्लच दबाओ फर्स्ट गियर लगाओ। हाँ ठीक है। अभी हैंड ब्रेक भी डाउन करो बटन दबाते हुए, ऊपर खींचते हुए, ठीक है। अभी एक्सीलेटर लेके धीरे धीरे क्लच छोड़ो, रेस ले हल्की सी, साइड ग्लास में देखते हुए कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। हाँ अब धीरे धीरे छोड़ो क्लच, सीधी कर लो स्टीयरिंग, फिर एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगाओ, क्योंकि सेकंड 10 से अबव जा रही है तो हम सेकंड गियर लगा सकते हैं। अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, थर्ड गियर लगाओ, फिर चलो इधर लेफ्ट साइड में आ जाओ, उधर साइड दे देंगे अपन, व्हीकल्स आ रहे हैं, सेंटर में रखो, 3 लेन है रोड तो गाड़ी को बीच में रखेंगे। सही है, पाम ब्रेक पे ले लेंगे, कट है इसलिए। अब वापस से क्लच छोड़ के फिर चलो एक्सीलेटर लेते हुए, सेंटर में ही चलने दो, अगर उधर से पीछे से जो भी आ रहे हैं उनके लिए स्पेस छूटा हुआ है। फिर साइन बोर्ड आ रहा है, हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न नहीं बजाना अपन को इधर, स्कूल साइलेंट जोन और हॉस्पिटल वगैरह, इधर अपन को हॉर्न नहीं देना होता है। अभी थर्ड गियर में चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चलते रहेंगे। और उधर देख लेंगे, उधर गाड़ियां आ रही है पीछे साइड व्यू मिरर में, तो निकल जाएंगी वो आराम से। अपने लेफ्ट दबाओ गाड़ी को थोड़ा और साइड में, लेफ्ट में। हाँ इधर लेफ्ट साइड व्यू मिरर में देख के कि हाँ दबा सकते हो, और करो लेफ्ट। हाँ
अभी पाँव ब्रेक पे ले लो, टी पॉइंट आ रहा है इसलिए आप भी हॉर्न दो। सही है, चलो सीधा लेंगे। आगे रेड लाइट आ रही है, क्लच दबा के पाँव ब्रेक पे ले लो, लेकिन वो येलो ब्लिंक कर रही है, मतलब सेल्फ डिसीजन है, रुको देखो और निकलो और स्लो करो, ट्रैफिक है आगे। बिल्कुल हॉर्न देते हुए गियर भी डाउन कर लो, गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई तो गियर भी छोटा कर लेंगे। हाँ अब क्लच छोड़ो पूरा, पहले क्लच छोड़ना है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में, फिर हमें एक्सीलेटर लेना होता है, तो पहले क्लच छूट जाए जब भी हम एक्सीलेटर लेंगे, सीधी रखते हुए पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है उनके लिए स्पेस छोड़ते हुए। अभी 20 से ऊपर ले जाके एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, थर्ड गियर लगा लो, फिर साइड ले लेंगे, थोड़ा ब्रेक लगा लेंगे क्लच दबा के। अब चलो और बढ़ाते रहो, अभी पीछे देखो एक और बाइक है, इधर लेफ्ट में भी है, तो इसी राइट साइड में ड्राइव करते रहो, साइड दे दो राइट वाले को, आप भी ऑन दो एक बार। बिल्कुल और बढ़ाओ, क्रॉसिंग है और हॉर्न देते हुए, और बढ़ा लो स्पीड, बढ़ा लो और। तो अभी हम फोर्थ गियर लगाएंगे, रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, सीधा पीछे, हाँ फिर क्लच छोड़ो, अपने एक्सिस पे ही पीछे आ जाएगा वो सीधा। अब चलो देखना बाइक और पाव ब्रेक पे ले लेंगे, लगाना नहीं लगाना बात की बात है, अब एक्सीलेटर पे लेके कंटिन्यूस हो लो। अभी स्पीड बढ़ गई है तो हम राइट वाली लेन में चल सकते हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में सेंट्रलाइजेशन करते हुए चलेगी गाड़ी। बिल्कुल हाँ, आगे रेड लाइट आ रही है, वहां से राइट टर्न लेंगे अपन, तो इंडिकेटर डाउन कर लो नीचे। सही है, हमेशा इंडिकेटर हमें 100 मीटर पहले दे लेना है, क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पे ले लो, स्लो करने लग जाओ गाड़ी को, गियर भी डाउन कर लो, सेकंड लगा लो। बिल्कुल हाँ, और रेडियस लो, मोड़ने लग जाओ राइट में, हाँ रोक लो, धीरे कर लो, रुक गई गाड़ी तो फर्स्ट गियर लगा लो अपने। बिल्कुल हाँ, अब चलो एक्सीलेटर लेके धीरे धीरे क्लच छोड़ो। बिल्कुल हाँ छोड़ो धीरे धीरे, हाँ छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, हाँ सही है, बिल्कुल सही, सीधी करने लग जाओ स्टीयरिंग। अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड लगा लो, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, फिर रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, थर्ड लगा लो, क्लच दबा के फिर चलो आप। और बढ़ा लो, अपने स्लो लेन में आ जाओ, लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट इंडिकेटर जला के ऊपर करके ऑन करके, मिरर में देखो कि कोई नहीं है, आ सकते हैं अपन आराम से, टू व्हीलर्स ही हैं उनके लिए स्पेस छूट जाएगा। और बढ़ाओ एक्सीलेटर, फिर फोर्थ गियर लगाएंगे स्पीड इंक्रीज करके। अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, फोर्थ लगा लो सीधा पीछे, सही है, नैरो हो रही है रोड आगे से, तो अपन आराम से, दो गाड़ी आराम से निकल सकती है, ऑटो भी निकल जाएगा और अपन भी निकल जाएंगे। हॉर्न दे रही है गाड़ी, साइड दे देंगे, हाँ निकल जाएगी गाड़ी, बिल्कुल सही है। फिर आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन बोर्ड आ रहा है, क्लच दबा लो, पाव ब्रेक पे ले लो, ब्रेकर है इसलिए सेकंड गियर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है, रियर व्हील क्रॉस हो जाए ब्रेकर पे से, अब चलो आप छोड़ दें, एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, थर्ड गियर लगाओ। साइन बोर्ड हमेशा देखते हुए चलाने, साइन बोर्ड हमें हेल्प करते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना, रास्ते को बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, आने वाले खतरे से अवगत कराते हैं।
सही चल रहे हो पोजीशन, दोनों तरफ से गाड़ियां निकल रही है, वो उनका लोड है कि वो अपने आप निकल जाएंगे, हमें पोजीशन नहीं छोड़नी है, पोजीशन मेंटेन करते हुए चलानी है। फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन बोर्ड आ रहा है तो कट है यहाँ पे, तो हमें धीरे कर लेना है पाम ब्रेक पे करके कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा उधर से, तो हम चल सकते हैं। पोजीशन मत छोड़ो, पोजीशन वापस दोनों लाइनों के बीच में सेंटर में आना है हमें। हाँ, और बढ़ाते रहो स्पीड। अभी हमारी गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है, आगे से अपन राइट टर्न लेंगे तो सबसे पहले 100 मीटर पहले इंडिकेटर देना है, तो नीचे डाउन कर देंगे इंडिकेटर, जला लेंगे राइट का, देख लेंगे साइड व्यू मिरर में कि कहीं कोई है तो नहीं, बाइक है बाइक निकल जाए। बिल्कुल अभी क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो, सेकंड गियर लगा लो थर्ड से। सामने से गाड़ियां आ रही है, जा सकते हैं, दूर है वो, क्लच छोड़ो पूरा। सही है, अभी रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, वापस से थर्ड गियर लगा लो आप, फिर चलो। ये सिंगल रोड है, इसमें डिवाइडर नहीं है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, उधर की गाड़ियाँ इधर भी आ जाती है और इधर की उधर भी चल जाती है, तो इसमें और गलियाँ भी है साइड में, तो हॉर्न देते हुए जितने भी अंधे मोड़ है ब्लाइंड टर्न से उन पे हॉर्न देते हुए, और पाम भी ब्रेक पे ले लेंगे, यहाँ पे भी हॉर्न देंगे, ये भी गली है। बिल्कुल, अब चलो एक्सीलेटर लेते हुए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक ही, आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है।